हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खियार स्टडीज हब पर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का ये वीडियो है, जब मैं आपको एक और सिचुएशन प्रोवाइड कराऊंगी जिसको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया था रिजल्ट इज़ अबाउट टू डिक्लेयर, तो तैयारी तेज़ कर दीजिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कीजिए। फाइन, शाम को 8 बजे हम डिस्कस करेंगे इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है, मॉडल आंसर क्या हो सकता है। राइट, टिल देन आप अपने जो कमेंट्स हैं, आपका जो डिसीजन है, वो लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए गाइस, सिचुएशन सुनिए। रिसेंटली यू आर अपॉइंटेड एज एन पंचायत सेक्रेटरी, आपका पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट होता है, और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आपके ब्लॉक के, वो एक फॉर्मल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें डिफरेंट अदर पंचायत सेक्रेटरीज को बुलाया जाता है और आपको भी बुलाया जाता है। उस मीटिंग के जो हेड हैं वो वहाँ के लोकल MLA हैं। लोकल MLA को एज एन हेड ऑफ द मीटिंग बुलाया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बात होती है उस मीटिंग में। उसके अलावा जो BDO हैं वो सबको 20,000 रुपये कंट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं फॉर बिल्डिंग अ कम्युनिटी हॉल इन द नियर बाय टाउन। नियर बाय टाउन में कम्युनिटी हॉल बनवाना है, उसके लिए वो आप सबसे 20,000 रुपये की डिमांड रखते हैं, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स टू, जिस कम्युनिटी से BDO बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी के लिए वो एक कम्युनिटी हॉल खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सबसे 20,000 रुपये की वो डिमांड कर रहे हैं। ही सेज दैट, वो आपसे कहते हैं आप सबसे, दैट everyone इज टेकिंग bribe, सब तो ब्राइब लेते हैं, एंड देर इज़ नो हार्म इन डोनेटिंग, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कुछ हज़ार रुपये डोनेट कर दिए जाएँ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद आप BDO के पास जाते हो और उनको कहते हो दैट यू आर, आप जॉब में नए हो और आपके पास इतना पैसा नहीं है, मोर ओवर ये गलत है, अनएथिकल है इस तरह से अनअकाउंटेड तरीके से मनी को देना जो अकाउंटेबल नहीं होगी, ठीक है। इट्स रॉन्ग टू गिव मनी विच इज़ अनअकाउंटेड। BDO आपके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आपको सिर्फ 20,000 रुपये ही नहीं देने पड़ेंगे, अब आपको हर महीने उनको 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। एज इन ट्रेडिशन उनके ऑफिस में जो सारे लोग, जो सेक्रेटरी हैं, पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह जो अदर लोग हैं, उनको 5,000 रुपये एज इन ब्राइब हर महीने उनके ऑफिस में पहुंचाते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको भी पहुंचाने होंगे, वो 20,000 तो आपको देने ही देने होंगे, 5,000 और एक्स्ट्रा देने होंगे, विच इज़ इन प्रैक्टिस फॉर पास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है। ही सेज, वो आपसे कहते हैं कि वंस यू लर्न द स्किल्स, जब आप स्किल्स सीख जाओगे ब्राइब लेने की, तो धीरे धीरे आकर के यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर, आप ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे, इसलिए टेंशन मत लो, अभी आप इसमें नए हो। तो वो आपको ये सब बातें कहते हैं और स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आपने बताना है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे इस सिचुएशन में और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। थैंक यू सो मच गाइज। सिचुएशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाया कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।